Today I will teach you and explain. So read very carefully. Let's start. The cunning judge, Dhurt Nyayadhish. Once upon a time, a sparrow lived on a tree. He had a beautiful and comfortable nest in the tree and used to live in it happily. एक समय की बात है कि एक स्पैरो यानी गौरैया एक पेड़ पर रहती थी. वह बहुत सुंदर और आरामदायक घोंसले में घोंसले को उसने पेड़ पर बनाया था और उसमें वह खुशी खुशी रहती थी. ईच डे द स्पैरो वुड गो आउट इन सर्च ऑफ फूड एंड रिटर्न टू द नेस्ट इन द इवनिंग. हर दिन जो गौरैया थी वो खाने की भोजन की तलाश में सुबह जाती थी और शाम को वापस अपने नेस्ट में वापस आ जाती थी. One day the sparrow as usual went out to look for food, but it started raining heavily, so the sparrow had to take shelter in another tree's branches. रोज की तरह वो चिड़िया उस दिन भी घर से बाहर भोजन के लिए गई, लेकिन जब वो वापस आने का टाइम हुआ तो उस टाइम पे बारिश बहुत तेज़ी से होने लगी, इसलिए उसको दूसरे पेड़ की ब्रांच में उसे शरण लेनी पड़ी. द स्पैरो केप्ट वेटिंग फॉर द रेन टू स्टॉप दैट ही कुड गो होम, बट द रेन डिड नॉट स्टॉप ऑल नाइट. जो गौरैया थी उसने बहुत समय तक बारिश के रुकने का इंतज़ार किया लेकिन कि वह वापस अपने घर जाए, लेकिन बारिश उस रात सारी रात बारिश होती रही और पानी नहीं रुका. इन द मॉर्निंग व्हेन द स्काई क्लियर द स्पैरो रिटर्न टू हिज नेस्ट. सुबह जब आसमान साफ हुआ तब गौरैया अपने घर वापस आई, अपने नेस्ट में घोंसले में वापस आई. ही वॉज शॉक टू फाइंड अ रैबिट इन हिज नाइस एंड कम्फर्टेबल नेस्ट. उसे बहुत आश्चर्य हुआ उसने जब देखा कि वहाँ पे एक उसके घोंसले में एक खरगोश उसके अच्छे और आरामदायक घोंसले में बैठा है. ही द स्पैरो बिकेम एंग्री एंड सेड. जो गौरैया थी वो बहुत नाराज़ हो गई और उसने कहा, दिस इज़ माई होम, प्लीज़ लीव एट वंस एंड गो बैक टू वेयर यू हैव कम. उसने रैबिट से कहा कि ये घर मेरा है और कृपया आप इस घर को छोड़कर चले जाइए और जहाँ से आप वापस आए हैं. डोंट बी सच अ फूल द रैबिट रिप्लाइड. बेवकूफ मत बनो, उस खरगोश ने रिप्लाई दिया. थिंग्स लाइक ट्रीज रिवर्स एंड लेक्स डोंट बिलोंग टू एनीवन. कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे पेड़ नदियाँ झीलें, ये सब ऐसी होती हैं जो किसी एक के लिए हमेशा नहीं रहती. दे आर ओनली योर्स एज लॉन्ग एज यू आर लिविंग इन देम. जब आप उसमें रहते हैं तो वो आपकी होती. इफ इन योर एब्सेंस योर प्लेस इज एक्वायर्ड बाई समवन एल्स देन इट बिलोंग्स टू देम. अगर आपके एब्सेंस में कोई दूसरा वहाँ आ जाता है तो वो उसका हो जाता है. सो दिस प्लेस इज नाउ माइन. इसलिए ये जगह मेरी है. डोंट डिस्टर्ब मी नाउ. और आप मुझे परेशान मत करो. बट द स्पैरो डिड नॉट सी एनी लॉजिक इन द रैबिट्स स्टेटमेंट. जब स्पैरो ने ये देखा कि उसके रैबिट्स के स्टेटमेंट में कोई भी लॉजिक नहीं है, उसको नहीं समझा सकती. ही वॉन्टेड हिज होम बैक. वो अपना घर वापस चाहता था. ही सेड लेट अस गो एंड सीक द एडवाइस ऑफ सम वाइज पर्सन हु कैन हेल्प अस टू सेटल दिस मैटर. हमको दूसरे किसी ऐसे इंसान के पास जाना चाहिए जो हमें एडवाइस दे सके और जो इस मैटर को सॉल्व कर सके. नाउ इट सो हैपेंड दैट अ वाइल्ड कैट हु यूज्ड टू लिव एट द लिटिल डिस्टेंस फ्रॉम द ट्री ओवरहियर्ड द कन्वर्सेशन ऑफ द स्पैरो एंड द रैबिट. वहीं पास में ही एक जंगली बिल्ली थी जो कि वहाँ पे पास में ही थोड़ी दूर पर ही पेड़ के पास थी और जिसने स्पैरो और रैबिट की वार्तालाप को पूरी तरह से सुना था. ही थॉट टेकिंग एडवांटेज ऑफ सिचुएशन. उसने उस परिस्थिति का फ़ायदा उठाने के लिए सोचा. सो ही क्विकली टुक अ डिप इन द रिवर एंड देन सेट लाइक अ प्रीस्ट चैंटिंग द नेम ऑफ गॉड्स लाउडली. उसने उस सिचुएशन का फ़ायदा उठाने का सोचा और नदी में एक डुबकी लगाई और वहाँ बाहर आकर एक पुजारी की तरह बैठकर भगवान का नाम तेजी तेजी से लेने लगा. When the sparrow and rabbit heard the chanting,
and saw the cats sitting there like a paste. जब स्पैरो और रैबिट ने उसकी आवाज़ सुनी तो वो उसके बिल्ली के पास गए जो कि पुजारी की भांति बैठा हुआ था. दे थॉट दैट ही मस्ट बी अ वेरी वाइज पर्सन. उन्होंने सोचा कि बहुत बुद्धिमान आदमी है. सो दे वेंट टू द कंसर्ट हिम होपिंग दैट द प्रोवाइड देम विद पार्शियल जस्टिस. और उन्होंने ये सोचा कि मतलब किसा वो बिना किसी भेदभाव के उन दोनों के साथ न्याय करेंगे. इस आशा के साथ वो उनसे उनके पास गए. द कैट वॉज वेरी हैप्पी टू सी द स्पैरो एंड द रैबिट. जो बिल्ली थी वो बहुत खुश हुई जब उसने ये देखा कि स्पैरो और रैबिट उसके पास उनको देखकर वो बहुत खुश हुई. ही प्रेटेंडेड द लिसन विद इंटरेस्ट एज दे टोल्ड देयर स्टोरी एंड पुट फॉर देयर आर्गूमेंट. उसने इस तरह का नाटक किया कि जैसे वो उन दोनों की स्टोरी को बहुत ध्यान से सुन रहा है और उसके इस आर्गूमेंट को बहस को बहुत ध्यान से सुन रहा है. एज सुन एज द टाइम वॉज राइट ही पंच्ड अपॉन देम एंड किल्ड बोथ ऑफ देम एंड एट देम फॉर हिज मील. और जब उसने सही समय देखा तो उसने उन लोगों पे आक्रमण कर दिया और उनको मारकर खा गया और इस तरह उसने अपना भोजन तैयार किया.